खबर है पूर्वी चंपारण से, जहां जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से ईद उल जोहा त्योहार को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त किए गए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ करने हेतु बैठक का आयोजन DRCC मोतिहारी सभा कक्ष में किया गया। ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अनुमंडल अंतर्गत नियंत्रक कक्ष का स्थापना करेंगे। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों को वाहन के साथ रखेंगे, ताकि कोई सूचना मिलने पर बल एवं दंडाधिकारी को वाहन के साथ गंतव्य स्थान तक शीघ्र भेजा जा सके। वहीं बकरी त्यौहार के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधित स्थिति पर स्वच्छ एवं कड़ी निगरानी नियंत्रण कक्ष द्वारा रखी जाएगी। नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में सुरक्षित दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पंजी संधारित कर उसमें प्राप्त सूचना दर्ज की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपस्थित लोगों को ब्रीफ करते हुए उन्होंने स्मरण कराया कि पहले भी उन लोगों ने सफलतापूर्वक विभिन्न त्योहारों के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण संबंधी दायित्व का निर्वाह किया है। दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी दोनों उपस्थित रहे। अगर कोई एक अनुपस्थित है तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए। चिन्हित स्थल पर ही वे प्रतिनियुक्त रहें और प्राप्त सूचना को वरीय पदाधिकारियों और थाने तक पहुंचाएं। छोटी छोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। 3 दिवसीय बकरीद पर्व के अवसर पर तीनों दिन सजग रहकर कर्तव्य का निर्वाह करना है। अफवाहों पर भी ध्यान देना है। इसका खंडन करना, कुर्बानी एवं मांस को ढककर एक जगह से दूसरे जगह पर मित्रों, परिचितों एवं गरीबों को बांटने के लिए ले जाए जाने हेतु प्रोत्साहित करना है। सभी पदाधिकारियों को सतर्क एवं सजग रहना है। विधि व्यवस्था का उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी निष्पक्ष होकर कार्य करें। वहीं जिलाधिकारी ने अफवाहों के संबंध में भी सावधान किया है और कहा है कि यदि अफवाह संज्ञान में आए तो तुरंत अवगत कराएं। जिला नियंत्रण कक्ष में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगी रहेगी। डॉक्टर और पारा मेडिकल टीम भी एम्बुलेंस में रहेंगे। उक्त ब्रीफिंग में उप विकास आयुक्त, अपर संहारता आपदा प्रबंधन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला के सभी वरीय उप संहारता सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे। डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर के बिंदुओं पर ऐसा न हो कि उन्हीं का डेपुटेशन हो, उनके साथ अनुभवी सिपाही और पदाधिकारी निश्चित रूप से हो। और आदेश का उल्लंघन करके मैं ये सारी चीजें करता हूँ, लेकिन आप सभी को पता है कि इस सारे चीजों में हम प्राथमिकी दर्ज करते हैं। कोई भी चीज जैसे अभी कुछ दिनों पहले निषेधाज्ञा ऑलरेडी लगाई गई है, तो आप सभी लोग जो है इसका भी जो है अनुपालन करवाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा आपको, कि ऐसा नहीं कि मतलब इसको ऐसे ही आपने छोड़ दिया किसी दूसरे पदाधिकारी के भरोसे। SDO और SDPO को फील्ड में निकलना पड़ेगा। उस दिन सुबह जो है आपको मेन टाउन में, जैसे SDPO ढाका है तो आपको ढाका में मेन टाउन में रहना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। इसी तरह मोतिहारी में